साथियों, आपके विश्वास का ही परिणाम है कि 72 सालों के गड्ढों को हम भर पाए। जब मैं आया था तो मैंने सरकार में, व्यवस्था में, तिजोरी में ऐसे ऐसे गड्ढे देखे, ऐसे ऐसे गड्ढे देखे। 5 साल उन गड्ढों को भरने में चले गए। अब आपके सहयोग से ही विकास का नया हाईवे बनेगा। आपके भरोसे से ही भारत का दुनिया में एक नई पहचान बनी। अब महाशक्तियों के साथ कदम ताल का काम भी आपके साथ से ही होने वाला है। आप बताइए, आपके इस चौकीदार के प्रयासों से आप मेरे गोंदिया भंडारा के भाई बहन, इस चौकीदार के प्रयासों से आप संतुष्ट है? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताओ, पता चले। चौकीदार की निष्ठा और नियत पर आपको विश्वास है? देश सही दिशा में जा रहा है, आपको भरोसा है? आपका ये विश्वास यही मेरी पूंजी है। ये आपका यही विश्वास देश में बड़े और कड़े फैसले करा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना? आतंकियों को कैसे घर में घुसकर मारा, याद है ना? आजकल दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए लोग नई नई कथाएं बाजार में छोड़ते रहते, जिनको मोदी शब्द सुनते ही नींद हराम हो जाती है। ये लोग चला रहे हैं, ये जो बालाकोट की घटना है ना, अब महीना हो गया, लोग भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, भूल रहे हैं क्या? याद है क्या देश को? अरे ये देश 1962 की लड़ाई भी नहीं भूला है तो बालाकोट कैसे भूल सकता है? साथियों, जब बात देश की होती है तो हमारे लिए देश प्रथम, पार्टी उसके बाद में। हमारे लिए दल से बड़ा देश है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारा देश दशकों तक एक ऐसी उल्टी दिशा में ही चला है। आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय तुष्टीकरण के नाम पर उन्हें बचाने का काम किया गया है। अब देश में अपनी दिशा भी बदली है और आगे बढ़ने की गति भी बदली है।